गुड मॉर्निंग कैसे हैं आप सब तो आज बना रही हूँ स्प्राउट्स की सब्जी तो मैं मार्केट से दो पैकेट स्प्राउट्स लेके आई मैंने अच्छे से उनको वॉश कर लिया फिर मैंने तीन प्याज थोड़ा सा लहसुन और हरी मिर्च काट ली उसके बाद मैंने एक मिक्सर का जार लिया और उसमें प्याज लहसुन अदरक को धो के अच्छे से डाल दिया उसके बाद मैंने उसका थोड़ा सा पेस्ट रेडी कर लिया और जो मेरा पेस्ट था वो आप उसकी थिकनेस देख सकते हैं थोड़ा सा दर दरा पेस्ट चाहिए आप लोगों को उसके बाद मैंने गैस की फ्लेम को स्लो किया उस पर कढ़ाई रखी और कढ़ाई के गर्म होने के बाद मैंने उसमें तेल डाल दिया और तेल थोड़ा सा गर्म होने के बाद मैंने उसमें जीरा डाल दिया और जीरा जैसे ही अपना कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए उसके बाद जो मैंने अभी प्याज लहसुन अदरक का पेस्ट रेडी किया था मैंने वो उसमें डाल दिया और उसको लगातार मैंने चलाया है क्योंकि चिपकना नहीं चाहिए और कलर चेंज हो जाना चाहिए उसका फिर मैं एक्चुअली हरी मिर्च डालना भूल गई थी तो मैंने बाद में उसमें हरी मिर्च ऐड कर दी तो फिर मैंने इसको लगातार चलाया जब तक जो प्याज है वो अच्छे से अपना फ्लेवर ना छोड़ दे और नीचे से जब तक उसका कलर ना ब्राउन ना हो जाए तब तक मुझे लगातार चलाती रही उसके बाद आप देख सकते हैं अब थोड़ा सा प्याज का जो कलर है वो लगभग चेंज हो गया है उसके बाद मैंने इसमें दो से दो लगभग टमाटर नॉर्मल साइज के दो टमाटर डाल दिए और टमाटर को गलाने के लिए मैंने इसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया और आप देख सकते हैं मेरे टमाटर कितने अच्छे से गल चुके हैं मसाला रेडी हो चुका है फिर मैंने लगभग दो टेबल स्पून इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल दिया और मेरी जो स्पून है वो छोटी है तो आप जितना खाते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा फिर तीन चम्मच मैंने इसमें धनिया पाउडर डाल दिया और उसके बाद मैंने इसमें हल्दी लगभग आधे चम्मच से ज़्यादा मैंने हल्दी डाल दी और उसको अच्छे से मैंने स्टर किया और फिर आप देख सकते हैं मैंने लास्ट में उसके बाद ब्लैक पेपर पाउडर डाला और उसको लगातार चलाने के बाद अभी देख सकते हैं मसाला कच्चा है क्योंकि आप उसकी थिकनेस देख सकते हैं दर सा दिख रहा है अभी वो पका नहीं है तो साइड बाई साइड मेरा दूध गर्म हो रहा था जो कि हल्दी वाला दूध हम लोग रोज़ पीते हैं तो फटाफट मैंने दूध गरम किया उसमें दो चम्मच भर के जैगरी पाउडर डाला और उसको अच्छे से चलाने के बाद मैंने ना हलवाई स्टाइल में थोड़ा सा उसको फेंटने की कोशिश की लेकिन मैं मेरे से ना हो पाया Uh, मतलब मुझे डर लग रहा था गिर ना जाए फिर अच्छे से मैंने दूध फेंटने के बाद फटाफट अपने पति देव को दूध दिया एक गिलास मैंने पिया और सर्दियों में दूध पीने की बात ही अलग है मस्त हल्दी वाला और गुड़ वाला दूध अल्टीमेट फिर भाग के मैं किचन में गई उसके बाद मैंने देखा मेरा मसाला लगभग चिपक रहा था तो फिर मैंने उसमें थोड़ा सा पानी डाला और उसको स्लो फ्लेम पर लगभग तीन से चार मिनट के लिए अच्छे से पकाया क्योंकि मेरा मसाला पका नहीं है Uh, इसका जितना ही फ्लेवर है उसके जितना मसाला अच्छा पकेगा उतना अच्छा इसमें टेस्ट आएगा तो मैंने मसाले को तीन से चार मिनट के लिए अच्छे से पकाया अब आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो गया है और लगभग तेल भी रिलीज हो चुका है मसाले में से तो मैंने इसमें फिर स्प्राउट्स थे जो लगभग दो पैकेट थे मतलब दो ग्राम हो गए तो मैंने अच्छे से वॉश करके इसमें डाल दिए और उसको कंटिन्यू मैंने स्टर किया जब तक जो स्प्राउट्स हैं वो मसाले को अच्छे से सोक ना कर लें और फिर इसको अच्छे से मैंने चलाया और तीन से चार मिनट के लिए इसको छोड़ दिया जिससे अच्छे से वो सब मिक्स हो जाए और आप देख सकते हैं अब लगभग जो मसाला है वो स्प्राउट्स में अच्छे से मिल चुका है फिर मैंने लगभग इसमें एक से डेढ़ गिलास पानी डेढ़ गिलास पानी मैंने डाल दिया जिससे स्प्राउट्स जब पकते हैं तो वो पानी को पूरा सोख कर लेते हैं और जो ग्रेवी है वो थोड़ी सी थिक हो जाती है तो आप देख सकते हैं लास्ट कुछ इस तरीके से पक चुकी है मेरी सब्जी मैंने धनिया डाला और लकीटमा है स्प्राउट्स की सब्जी बोल सकते हैं या इसको मराठी में उसल की भाजी बोलते हैं या आप इसको अंकुरित अनाज की सब्जी बोल सकते हैं जो कि खाने में बहुत टेस्टी होती है तो आप एक बार जरूर ट्राई करें और इसका टेस्ट नो डाउट बहुत अच्छा होता है तो थैंक यू एवरी थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब